शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी जो होती है वो एक कहानी होती है। आप में से मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको किसी को लगता है कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर बायोपिक बननी चाहिए? कोई है मेरा दोस्त यहाँ पे? जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो तुम्हारा MMS तो जरूर बनेगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम है सतीश मतानी। कहाँ से आए आप? सर मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्टोरी है आपकी लाइफ की? सर बायोपिक तो नहीं, मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी है मिलने और बिछड़ने की। अच्छा। बचपन में मैं सर बहुत ही मतलब नॉर्मल कैरेक्टर का लड़का था। हाँ जी बिल्कुल मंद था सर। सर बचपन में बिल्कुल इमैच्योर था सर मैं। तो फिर सर धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे होते सारे। तो फिर सर जैसे ही मैं 10+2 में पहुंचा जी, मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते गया। 10+2 में? जी सर। बड़ी आग लगी थी। तो फिर 10+2 में उसके पेरेंट्स ने सर रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा। तो सर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग घर से भाग जाएंगे। अच्छा। सर मैं स्टेशन पे बैग लेके गधे जैसा इंतजार कर रहा था। अच्छा। सर मैं किसी और ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, वो किसी और ट्रेन में बैठ के चली गई। किसी और के साथ? वो पता नहीं सर। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा कमाल का है। तो फिर उसके बाद सर मेरे एक दोस्त ने बताया उसकी शादी हो गई। और सर हम एक मॉल सीरियसली दिल से हंस रहा है कि कील चुभ रही है? अच्छा तो फिर बाद में फिर मुलाकात नहीं हुई उससे? बाद में मुलाकात हुई सर एक मॉल में, देखा तो उसके हाथ में बच्चा था। कितने साल बाद मिले आप? लगभग 6 साल बाद। दूर फिटे मूंग। एक ही बच्चा था? हाँ सर। उसको पूछा नहीं 5 साल का और क्या किया? तो मतलब तो आपको लगता है कि आपकी कहानी में फिल्म बननी चाहिए? जी सर। यार फर्स्ट हाफ ठीक था, री क्लाइमैक्स के टाइम मतलब इंटरवल तक ही बन सकती, उसके बाद नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है भाई। ये बन सकती इनकी लाइफ पे फिल्म के नहीं? मतलब ये इनकी लाइफ पे फिल्म तब बन सकती है अगर ये बाद में फिर गुस्से में जाके लड़की को मर्डर कर देते। मुझे पता था अनुराग भाई कहते मॉल में मिली गोली क्यों नहीं मारी? पहले तो उसी दोस्त को गोली मारती जिसने खबर दी थी। बस उसने कहा क्या कि मामा से मिलो, ऐसे बच्चे को क्या बोला? कुछ नहीं कहा सर। कुछ नहीं कहा सर? वो आए उसने मुझे पहचाना सर मॉल में, मैं तो उसको पहचान भी नहीं रहा था क्योंकि बच्चा हो गया था सर, मोटी हो गई थी। चलो भगवान आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में फिल्म बननी चाहिए? द कपिल शर्मा शो। ये टी शर्ट कहाँ से लिया आपने? सर स्ट्रगल करके सर। सर मैं ये एक महीने से मुंबई में ये टी शर्ट ढूंढ रहा था, नहीं मिली। ये मैं सूरत से लेके आया। फिर ये कौन बेचता है ये शर्ट? बेचता नहीं है सर। सर ये प्रिंट करवाया डाई करके। किसी ने तो छापा ही होगा इसको। हाँ सर। हाँ जी। एक वो दोस्त ने बताया था कुछ एड्रेस, उस पर गया था। नहीं अच्छा दोस्त, स्पेशल आपके लिए सर। मुझे लगा ऐसे पीली टी शर्ट पहन के हमारे लोगों पे लेट गए होंगे। नहीं नहीं। क्या नाम है ब्रदर आपका? पिंटू शर्मा है। कहाँ से हैं पिंटू जी आप? चूरू राजस्थान से, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। अच्छा दोनों उधर ही। क्या है जो वहाँ पे कम पड़ता है? ये तो चीज होगी जो कम पड़ती होगी। बारिश बारिश वहाँ पे। मुझे लगता है सर मुझ पे अनुराग सर को फिल्म बनानी चाहिए सर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में सर, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा था तो। अच्छा बचपन में आप छोटे थे? स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। एक आदमी बचपन में बहुत छोटा था सर। जब बचपन में सर जब मैंने पतंग लूटने में बहुत स्ट्रगल किया सर। 5 साल मैंने पतंग लूटे जब मैं छोटा था तो। और फिर पतंग में जब स्ट्रगल में मैं कामयाब नहीं हो सका तो फिर सर। कामयाब मतलब? मतलब पतंग हाथ नहीं आई। 5 साल में एक भी पतंग हाथ नहीं आई? आई थी लेकिन सर वो फिर फाड़ दी। 3-4 दोनों ने फाड़ दी। बहुत स्ट्रगल किया अभी बंदे ने पतंग बचपन से लेके अभी तक। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर सर दोस्तों ने कहा कि हाइट है, बॉडी है, तू स्मार्ट भी है तो तू एक्टर बन सकता है। कहा किसी ने? हाँ सर। पहले उन दोस्तों को छोड़ो, झूठ बोल रहे हो आप।
आपके पेट का बस चल ना, टी शर्ट उठा के बाहर आ जाए। मेरा अपना बढ़ गया, मैं क्या बोलूं सर। अभी अभी आ रहा है सर, अभी स्ट्रगल के दिनों में आ रहा है अभी अभी। अच्छा, अभी आ रहा है। स्ट्रगल के दिनों मैंने लोग पतले होते देखे, बंदा बंदा। अच्छा चलो, अच्छी बात है यार सर, इसे स्ट्रगल हो रही, खाती भी स्ट्रगल होनी चाहिए। मेन बात ये हुई थी कि स्टोरी आपकी इंस्पायरिंग है, अगर बायोपिक बन सके तो। हाँ सर, मैं ऑडिशन पे बन सकती है कि ऑडिशन एक बंदा दे रहा है लेकिन उसकी कोई, उसको अभी तक चांस नहीं मिला इस पर। सर मैं बताऊं आपको, आपके हाथ में पतंग नहीं है, आपके हाथ में रोल नहीं आया, मेरे हाथ में बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा, अभी आपके सामने अनुराग भाई बैठे हुए हैं। हाँ सर। आप इनका एक डायलॉग सर मूवी का मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज इधर आके बोल दो। बंदूक क्या देख लेना, गलत बोला तो पता पर पता नहीं। सर आप ही बुरे, पॉकेट नाम है ना आपका, आपका नाम रहेगा पॉकेट, मैं नाम करता हूँ आपको, आपका नाम पॉकेट। क्या क्या आप क्या बोलेंगे? नाम क्या है? रमन राघव। अच्छा नहीं, अच्छा ट्रेलर रमन राघव देखा आपने? सर रोज देखता हूँ सर, उसमें सबसे ज्यादा व्यूअर। तो एक ही बार देखो, दूसरे दिन बदल थोड़ी जाएगा वो चीज। अच्छा तो आप इनसे पूछेंगे कुछ? क्या पूछेंगे आप? नाम क्या है? पॉकेट। पॉकेट नाम। अच्छा तो जब पुलिस मुझसे पूछेगी क्यों मारा, तो मैं तो कहूँगा मैंने पॉकेट मारा। पूरा मतलब एक एक पंचलाइन था, एक पंचलाइन था पिक्चर पे, उसको अभी आपने रायता बना दिया। सर यहाँ तो इसके हाथ रख लो, ये इसके हाथ रख लो, दोनों में से एक। हाँ जी, मैं टी शर्ट की दुकान खोलूंगा सर। आपका नाम है सर? आपका ही नाम है। या तो इस पे रख लो या इस पे। ये मैंने जिंदगी में पहली डिमांड देखी, इधर हाथ रख दो या इधर रख दो। नहीं नहीं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अंडर भी पहन लाते, पीछे भी हाथ रखवा लो। थैंक यू ब्रदर यार, शुक्रिया। जी, आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। ऐसा 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 ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है, कहते होंगे हम। अरे देखिए, हाँ हाँ, अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आदा। अभी की जी, व्हाट इज अप? यो। उभरा हुआ सितारों को हमारा नमस्कार। हम हैं उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा का है ये, ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप, ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। अरे तू उभरती हुई सितारा की ननद है, ऐसा रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुई चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, चुप रह। हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं, हाँ हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपके बहुत फाइन है पता है आपको? हाँ ये तो बहुत बड़ी फैन है आपका, फिल्म है वो गैंग दो बसीपुर, इतनी बार देखे हैं, इतनी बार देखे हैं, शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज वाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। दें आपको उस फिल्म में मनोज बात पे नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। इतना सुनो,
बाप का भाई का दादा का सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं अनुराग जी, हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाइए, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए, बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं रिंकू बाबूजी क्या कह रहे हैं, रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं, इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए तो ये खच खच होता है बना दे। चक्कू चुरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम।